हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल गाइड यू हाउ यू कैन डिज़ाइन वैक्यूम क्लीनर एजेंट वैक्यूम क्लीनर एजेंट को डिज़ाइन करने से पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्टली एजेंट क्या है उसके बाद हम देखेंगे वैक्यूम क्लीनर एजेंट कैसे डिजाइन होगा विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज राइट अगर हम एजेंट की बात करें द वर्ड एजेंट एजेंट कोई भी चीज हो सकती है एजेंट का काम क्या है एन्वायरमेंट से परसीव करना विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स और उसी इन्वायरमेंट में जाके परफॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स सो इन शॉर्ट वे वी कैन से इन एजेंट सेनी थिंग दैट कैन बी परसीविंग इट्स एनवायरमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्टिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स अब एजेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है लाइक like अगर हम ह्यूमन एजेंट की बात करें तो ह्यूमन एजेंट्स में एयर्स आइस और जितने अदर ऑर्गेन्स हैं ये सारे क्या है सेंसर्स हैं एल्स अगर हम हैंड्स लैग्स की बात करें तो दीज आर एक्चुएटर्स क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दैट्स मीन इन एवरी एजेंट वी हैव सेंसर्स एंड वी हैव एक्चुएटर्स अगर रोबोटिक एजेंट्स की बात करें तो रोबोटिक एजेंट्स में कैमरास इंफ्राडेड रेंज फाइंडर्स ये सारे क्या है सेंसर्स हैं और जितनी डिफरेंट वेरियस मोटर्स जो होंगी लाइक मूवमेंट हैंड ऑफ रोबोट, लैक्स मूवमेंट लैग जितने कंट्रोलिंग डिवाइसेस जो होंगी वो क्या होंगी एक्चुएटर्स तो एजेंट जो है आप, हाँ, आप हार्डवेयर एजेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर एजेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं अगर सॉफ्टवेयर एजेंट्स की एग्जाम्पल लें तो आ सॉफ्टवेयर एजेंट्स रिसीव की स्टॉक्स फाइल कंटेंट एंड नेटवर्क पैकेट एज सेंसरी इनपुट्स एंड एक्ट ऑन एनवायरनमेंट बाय डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन सो दिस इज सॉफ्टवेयर एजेंट वेल हमने यहाँ बात करी परसेप्ट की एजेंट जो होता है एनवायरनमेंट से परसेप्ट करता है इनपुट लेता है परसेप्ट सीक्वेंस भी बनाता है परसेप्ट सीक्वेंस के मीन होते हैं कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग द एजेंट हैज एवर पर जो कुछ एजेंट परसिव करता है उसकी एक हिस्ट्री बन जाती है इसे हम कहते हैं परसेप्ट सीक्वेंसेस एजेंट ने इनपुट्स लेके हिस्ट्री मेंटेन कर ली है ओके okay, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे अब हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं वैक्यूम क्लीनर एजेंट को तो यहाँ आप देख सकते हैं दो स्क्वायर ए एंड स्क्वायर दो रूम्स पहला रूम ए है और दूसरा रूम है, रूम्स में क्या है? डर्ट है. और हमारा टारगेट क्या है हमारा गोल क्या है हमने दोनों रूम को क्लीन करना है राइट right? तो हमने अंडरस्टैंडिंग की हमारे पास दो रूम्स है और एक वैक्यूम क्लीनर है पहली अंडरस्टैंडिंग हमारी सेकेंड अंडरस्टैंडिंग हमने ये करी कि डर्ट है दोनों रूम में थर्ड अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि वैक्यूम क्लीनर प्रेजेंट इन एनी वन रूम अगेन आई एम रिपीटिंग टू रूम्स एंड वन वैक्यूम क्लीनर डर्ट इन बोथ रूम्स वैक्यूम क्लीनर प्रेजेंट इन एनी वन रूम एंड हमारा गोल क्या है एजेंडा क्या है क्लीन करने हमें दोनों रूम्स को ऑल right. अब क्लीन करने के लिए दोनों रूम्स की डर्ट को जो लोकेशन ए पे डर्ट है या लोकेशन बी पे डर्ट है हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म कराने होंगे कुछ एक्शंस ही हमारे पास जैसे राइट right, लेफ्ट और सक। यहाँ आप देख रहे हैं कि परसेप्ट सीक्वेंस एस आई ऑलरेडी टोल्ड यू परसेप्ट सीक्वेंस क्या है इज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग दैट द एजेंट हैज एवर परसीव्ड तो परसेप्ट सीक्वेंस कुछ मेंटेन करनी है वैक्यूम क्लीनर ने जब ए लोकेशन क्लीन है तो उसने राइट right में मूव करना है ऑब्वियसली इस तरफ मूव करना होगा आप मेरा देख सकते हैं अगर ए डर्टी है देन उसने suck करना है है बिल्कुल इसी तरीके से अगर लेफ्ट पे सक करना है सॉरी मूव करना है एंड अगर बी पे डर्ट है देन उसे सक करना है सो दीज आर एंड दीज आर दर्सेप्टवेंस जो कि वैक्यूम क्लीनर एजेंट ने इनपुट लेते हुए डिजाइन करनी है ठीक है ऑल राइट सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्यूम क्लीनर एजेंट बहुत सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है इसके हम कहते हैं स्टेट है हमारी ये स्टेट क्या है ये दो लोकेशन है दो रूम से रूम वन रूम टू या वी कैन से लोकेशन ए लोकेशन बी लोकेशन ए में भी डर्ट है लोकेशन बी में भी डर्ट है और वैक्यूम क्लीनर किसी एक रूम में किसी एक लोकेशन पे है। यहां मेंशन भी है कि वैक्यूम क्लीनर इन एनी वन रूम और इसे हम कहते हैं स्टेट रिप्रेजेंटेशन अब कितनी बनेंगी स्टेट रिप्रेजेंटेशन तो टोटल्स जो बनेंगी वो एट बनेंगी कैसे बनेंगी लेट मी टेल यू हे अगर आप फर्स्ट स्टेप को देखें तो एज्यूम ये किया कि दो रूम से कर्सर को देख सकते हैं आप मेरे दोनों रूम्स में डर्ट है और एक रूम में वैक्यूम क्लीनर है here it's mentioned dirt both rooms vacuum cleaner is in left room vacuum cleaner kahan par hai left room pe second assumption humne ye li ki dirt both rooms mein hai but vacuum cleaner is in right room vacuum cleaner kahan hai aapka right room mein theek hai teesri possible states जो बन सकती है हमने assumption ली कि dirt जो है हमारी right room में है but vacuum cleaner हमारा left room में फोर्थ क्या है डर्ट आपकी राइट right रूम में है और वैक्यूम क्लीनर भी आपका राइट right रूम में है इसी तरीके से हमारी फाइव सिक्स सेवन एट कुछ पॉसिबल स्टेट्स बनेंगी इन्हीं स्टेट्स को हमें कंप्यूटर को गाइड करना है ताकि कंप्यूटर दोनों रूम्स की लोकेशन को अच्छे तरीके से क्लीन कर सके कभी उसने लेफ्ट जाना है कभी राइट right जाना है सो so, ये सारी क्या है पॉसिबल स्टेट्स हैं डर्ट लेफ्ट रूम में है बिल्कुल लेफ्ट रूम में है और वैक्यूम क्लीनर भी कहा है लेफ्ट रूम में सिक्स पॉसिबल स्टेट क्या है लेफ्ट रूम डर्ट आपके लेफ्ट रूम में है बट वैक्यूम क्लीनर आपका राइट right रूम में है ठीक है अब आप जो सेवन और एट स्टेट देखेंगे यहां पे आपको आपका आउटपुट मिल रहा है नो डर्ट बोथ रूम्स वैक्यूम क्लीनर कहाँ पे आपका लेफ्ट रूम में नो डर्ट बोथ रूम्स वैक्यूम क्लीनर पे है आपका राइट right रूम में तो ये एट पॉसिबल स्टेट्स टोटल हमारी डिजाइन होंगी और एक्शंस क्या है लेफ्ट राइट सक लेफ्ट मूव करना है राइट right मूव करना है डर्ट है तो सक करना है डर्ट है नहीं है तो देर इज नो नीड टू परफॉर्म एनी एक्शन सो ये छोटी सी स्ट्रेटेजी है अगेन आई एम रिपीटिंग बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है आपको एक पर्टिकुलर वर्ल्ड दिया गया है पर्टिकुलर वर्ल्ड जिसमें दो लोकेशन है स्क्वायर ए एंड स्क्वायर इन द स्क्वायर और नॉट सिंगल स्क्वायर की बात कर रहे हैं इट कैन चूज टू मूव लेफ्ट या मूव राइट right, या अप द डर्ट और डू नथिंग या तो लेफ्ट मूव करेगा या राइट right, या फिर कोई एक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा लेफ्ट मूव करेगा राइट right मूव करेगा क्लीन करेगा डर्ट सक करेगा एल्स डू नथिंग इफ द करंट स्क्वायर इज डर्टी देन सक अदरवाइज मूव टू द अदर स्क्वायर बहुत सिंपल सा एजेंडा है इफ द करंट स्क्वायर इज डर्टी देन सक अदरवाइज मूव टू दर सो दीज आर द फॉर्मुलेशन स्टैप्स पॉसिबल एक्शन मूव लेफ्ट मूव राइट एंड क्लीन डर्ट नाउ यू कैन सी हि जो हमने एट पॉसिबल स्टेट्स यहाँ पे एज्यूम की थी ये सारी स्टेट्स देखें काम कैसे करेंगी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मोस्टली आपको इस टाइप की पिक्चर्स ही नजर आएंगी वैक्यूम क्लीनर एजेंट की आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास लोकेशन दो है लोकेशन ए एंड दिस इज लोकेशन बी विद द हेल्प ऑफ कर यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड वॉट आई एम से बाई डिफॉल्ट हमारा जो वैक्यूम क्लीनर एजेंट है जो हमारा वो लाफ पे ही स्टैंड है उसका काम क्या है उसे डर्ट मिली देन सक डर्ट उसे मिली उसने सक किया ठीक है यहाँ पे देखें उसने डर्ट को सक किया ओके okay, लेकिन यहाँ स्टैंड पे खड़े होकर उसने जो अपना एक्शन परफॉर्म किया है लाफ पे लेकिन फिर उसने राइट right पे मूव किया यानी कि

अब वैक्यूम ने राइट भी मूव किया जब वैक्यूम क्लीनर ने राइट मूव किया तो उसे फिर राइट पे क्या मिली डर्ट मिली तो राइट पे डर्ट थी उसने सेकेंड एक्शन ये परफॉर्म किया कि उसने डर्ट क्लीन कर दी और फिर वो लेफ्ट पे मूव कर गया ठीक है जनाब यानी कि उसने डर्ट मिली उसने क्लीन करा और फिर वो लेफ्ट में मूव कर गया इसी तरीके से यहां पे क्या है हमारा लेफ्ट पर है वैक्यूम क्लीनर एजेंट अब वो राइट पे गया राइट पे उसे डर्ट मिली राइट पे उसे डर्ट मिली उसने क्या किया डर्ट को क्लीन किया देखें यहाँ पे डर्ट आपकी क्लीन हो गई उसने अपना एक्शन परफॉर्म किया डर्ट को क्लीन किया तो आपकी एक स्टेट ये बन गई और यहाँ पे यानी कि लेफ्ट पे जब वो खड़ा था तो उसने राइट right पे मूव किया और जब वो राइट right पे खड़ा था तो उसने लेफ्ट की तरफ मूव किया इट्स वेरी सिंपल अगेन आई एम रिपीटिंग जब वो लेफ्ट पे था आपका वैक्यूम क्लीनर तो उसने राइट right की तरफ मूव किया और जब आपका वैक्यूम क्लीनर राइट पे था तो उसने अपनी लेफ्ट को भी चेक किया यानी कि राइट पे डर्ट को क्लीन करके उसने लेफ्ट पे मूव किया लेफ्ट की डर्ट को क्लीन करा जो लेफ्ट पे डर्ट थी ये यहां पे क्लीन हो गया तो इस तरीके से वैक्यूम क्लीनर एजेंट अपने एक्शंस को परफॉर्म करेगा कभी लेफ्ट पे जाएगा एंड देन कभी राइट right पे जाएगा यहां आप देख सकते हैं पहली स्टेट क्या है दोनों में डर्ट है डर्ट क्लीन हुई आपका एजेंट यहां पे आ गया वैक्यूम क्लीनर ठीक है वैक्यूम क्लीनर एजेंट यहां पे आ गया यहां से डर्ट क्या हो गई थर्ड पे क्लीन हो गई यहां पे डर्ट नहीं है यहां से उसने क्लीन करी अब उसने क्या करना है कर दी क्लीन यहां से भी उसने डर्ट को क्लीन किया अब आपका एजेंट क्या हो गया फिर उसने चेक किया फिर उसने मूव किया यहां पे आकर याली उसने क्लीन करी देखें याली डर्ट उसने क्लीन करी फिर वो मूव किया सिक्स की तरफ फिर यहां से उसने डट को क्लीन किया अब आप देखें अगर वो लेफ्ट पे खड़ा है वैक्यूम क्लीनर तो उसने राइट को भी क्लीन किया और लेफ्ट को भी क्लीन किया लेकिन अगर वैक्यूम क्लीनर राइट पे स्टैंड है तो उसने लेफ्ट को भी क्लीन किया और अपने आप को भी क्लीन किया दैट्स मीन अगर वो लेफ्ट पे स्टेड है तो चार स्टेट्स बनी अगर वो राइट पे स्टैंड है तो तब भी चार स्टेट्स बनी ठीक है तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जब आपका वैक्यूम क्लीनर लेफ्ट पे है तो उसने लेफ्ट के साथ साथ राइट को भी ट्रैक किया राइट को भी क्लीन किया और अगर आपका इसको क्लीन किया ठीक है यहां से क्लीन करा फिर यहाँ पे आया उसने इसको क्लीन किया तो ये अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पे लेफ्ट पे अपनी पर्टिकुलर लोकेशन राइट पे सो दिस इज दी बिहेवियर एंड दिस इज द बैक एट ऑफ हाउ वेल क्लीनर क्लीन दब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं या तो आप अलग अलग एप्लीकेशन से डिजाइन करें आप इन्वायरमेंट के लिए अलग क्लास बनाए इनपुट के लिए अलग क्लास बनाए के एजेंट ने इनपुट लिया इन्वायरमेंट से एक्शन जो थे उसकी अलग क्लास बनी उसने एक्शन परफॉर्म करें कहा जाके एनवायरमेंट में जाके और मेन मेथड बनाए जहां आप कॉलिंग कर दें मैथड्स की या क्लास को आप कॉल करवा लें ठीक है थीके? या फिर आप सिंपल तरीके से अगर इसको करना चाहें तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपने दो लोकेशन सेट कर दी 0010 आपकी दो रूम्स थे आपने एक मेथड बनाया आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा आपने लोकेशन और स्टेटस बता दिया कि अगर डर्टी है स्टेटस देन आपने सब करना है एलिफ अगर डर्ट नहीं है तो लोकेशन अगर डर्ट नहीं है तो आपने क्या करना है सख नहीं करना दिस नो ऑपरेशन टू परफॉर्म इफ अगर लोकेशन इक्वल इक्वाले लोकेशन ए के तो रिटर्न राइट करना है एलिफ अगर लोकेशन इक्वल इक्वाले लोकेशन बी के तो रिटर्न लेफ्ट करना है ठीक है अब हम मैं आपको दूंगी इसकी प्रॉपर डेमो विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज और हम यूज करेंगे कॉलेब इंस्टीड ऑफ जुपिटर